Upasana Sharma. I'm basically from UP, Allahabad. I'm an SSC CGL aspirant. So everyone who is preparing for this exam knows GS plays quite a significant role in getting your dream job. I mean, maths or English to aapko padhna hi padhna hai agar aapko selection chahiye to. Lekin agar aapko aapki dream job tak pahunchna hai to sirf wo kaam GS kara sakta hai. No, GS syllabus is quite vast. Usme kya padhna hai, kya nahi padhna hai, jo padha hai use yaad kaise rakhe. ये बहुत मुश्किल हो जाता है. सेम डिफिकल्टीज मेरे सामने भी आई थी जब मैंने जीएस पढ़ना स्टार्ट करा था. देन आई केम अक्रॉस दिस वंडरफुल टीचर नेम जलद जैन सर. ही टीचेस ऑन एमजी कॉन्सेप्ट ऐप. आई मीन ही इज सच अ मार्वेलस टीचर. सर की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, सबसे अच्छी बात ये है अगर आप अपना प्रेशियस टाइम देकर उनकी एक क्लास देख रहे हो तो आपको सारे फैक्ट्स एज इट इज याद हो जाएंगे. आपको बाद में अलग से खुद से बैठ करके चीजों को याद नहीं करना पड़ेगा. आई मीन जैसे बाकी के जीएस के टीचर्स मैंने यूट्यूब पे देखे थे, वो आते थे कॉन्सेप्ट समझा देते थे, बाकी मगिंग अप द सेक्शन आप पर होता था. और होता नहीं कि हम सोचे बैठकर क्या था क्या नहीं था. उस टाइम तो हमें सिर्फ ऑप्शन चूज करना है ना. और सर इसी पोर्शन पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं कि वहां पे अगर आप ऑप्शंस देखो तो आपको आंसर कैसे रिकॉल हो जाए. ज्वाइन दिस बैच आई हैव सीन अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन माई सेल्फ. गाइज आई एम नॉट किडिंग. मैं वो लड़की थी जो जीएस से भागती थी, बट सिंस मैंने सर की क्लासेस लेना स्टार्ट करा, ही टीचेस अमेजिंग. सो अगर आपको भी जीएस में दिक्कत होती है और ये फैक्ट्स याद करने में इश्यू होता है तो प्लीज फॉलो जलद जैन सर. थैंक यू.